हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने का एकदम नया तरीका। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। सब्ज़ी तो हम कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार मेरी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। अब बरबट्टी को हम लोग कई तरह हर जगह में ना कई तरीके नामों से जाना जाता है। जैसे इसे बरबट्टी भी बोला जाता है, इसे बोरा भी बोला जाता है, इसे बीन्स भी बोला जाता है। तो चलिए, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है, पहले देखिए मैंने इस तरीके से आलू को कट कर लिया। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो है बरबट्टी लिया है, बीन्स बोलिए, बरबट्टी बोलिए, जो भी बोलिए वो मैंने लिया है, उसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, गैस पर डालना है कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तेल को यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे अपना बरबट्टी। बरबट्टी को डाल के हमें फ्राई करना है। फ्राई हमें इतना करना है ताकि ये बरबट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और इस पर जो है ना ब्राउन सी लेयर्स भी आ जाए। ऐसे बनाने से ना बरबट्टी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया, ब्राउन सी लेयर्स आ गई है, और बस इसको हम इस तरीके से निकाल देते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने जो है इसको बरबट्टी को फ्राई किया है ना, उसी तरीके से हमें आलू को भी फ्राई कर लेना है। तो मैं आलू को इसमें डाल देती हूँ, गैस के हाई फ्लेम पर हम इसे जो है लगातार चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए, जब तक आलू फ्राई हो रहा है, मैं जब तक गैस का फ्लेम मीडियम रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मसाला भी मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का पिसा हुआ प्याज, जिसको मैंने पीस लिया था। फिर यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसी में मैंने डाला है 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे ये तीखा कम होता है लेकिन इससे कलर सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। फिर काली मिर्च लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम जो है मसाले का एक गाढ़ा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसमें पानी डालकर हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को। इस तरीके से करने से ना सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। तो बस देखिए, यहाँ पर मैंने मसालों को काफ़ी अच्छी तरीके से मिला दिया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, देखते हैं हमारा आलू फ्राई हुआ है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग हमारा जो आलू है ना वो फ्राई हो चुका है, ब्राउन सी लेयर्स भी आ चुकी है। मैं बीच बीच में इसे मैं चला भी रही थी, और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है, बस इस तरीके से निकाल देना है। तो देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद हमें डालना है इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका यूज़ करिएगा, मैं मस्टर्ड ऑयल खाती हूँ इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 चम्मच के लगभग मैंने लिया है मेथी, और थोड़ा सा ही मैंने लिया है उसमें राई। उसके बाद इसको अच्छे से तड़क जाने देंगे, जब ये अच्छे से तड़क जाएगा फिर उसके बाद हम डाल देंगे ये जो मसाला हमने जो मिक्स बनाया था ना उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें काफ़ी अच्छी तरीके से चलाना है। अब क्या है ना कि कटोरे में थोड़ा सा मसाला रह गया था, मैं बिल्कुल भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए इसमें मैंने पानी डालकर धोते हुए मैंने इसको मसाले को इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर मसाले को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, लेकिन आप एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मसाला फ्राई होता है ना तो तेल बहुत ज़्यादा मसाला उड़ता है, जिससे हमारे आसपास गैस और वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो हमें ढक के इस तरीके से मसालों को इस तरीके से देखिए इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो बस मसाले को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मसाला भी ना काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से तेल छोड़ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 छोटा साइज़ का कटा हुआ टमाटर, और आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप और टमाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हम अपना फ्राई किया हुआ दोनों सब्ज़ी, जो हमने आलू और बीन्स को बरबट्टी को हमने फ्राई किया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद हमें इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसे चलाना है, मसालों मिक्स करना है। अभी हमने मसालों मिक्स कर लिया। अब एक बात देखिए कि अभी तक हमारा आलू है गला नहीं है, क्योंकि हमने फ्राई किया था, ज़्यादा नहीं गला है, लगभग ये आलू 50 से 60% गला है। अभी हमें बाकी के 40% गलाना ही है। तो हमें इसको क्या करना है कि बस इसको ढककर हमें मीडियम फ्लेम पे, यानी कि मीडियम से लो फ्लेम पे हमें इसे ढककर पकाना है गलने तक। तो चलें इसको पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे खोल के देख रही हूँ, तो वाओ, हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए आलू हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से गल गया। वाओ, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो ये थोड़ा सा गीला सा मतलब सब्ज़ी लग रहा है, तो हमारे घर में सूखी सब्ज़ी इसकी ज़्यादा सब पसंद करते हैं। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा सुखा लिया, उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया धनिया की बारीक कटी हुई पत्ती, बस इसे मिला देंगे और बस इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का प्रेस का बटन और जो नोटिफिकेशन है ना उस पर ऑल को जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि मेरी हर वीडियो जो सबसे पहले मैं डालूंगी, जो सबसे पहले जो मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, आप बहुत जल्द आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।